press the bell icon on the YouTube app and never. आप हिंदुओं को अपनी ताकत क्यों नहीं समझते हैं और मुसलमानों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो गांधी जी की इस उस पर एक रिप्लाई था कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उनको उनका मैं बापू हूँ, पिता हूँ, इसलिए मुझे उनके दिल उनके लिए अपने हृदय में मोहब्बत है। इसलिए गांधी जी जा करके मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ा करते थे, पर उस वक्त भी जामा मस्जिद हुआ करती थी, वहां पर भगवद गीता के अध्याय नहीं पढ़ते थे। अब आती है बात कि हमेशा से मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस का चरित्र रहा है। मुसलमानों को रोटी बोटी खिला करके, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल करके, मुसलमानों को खुश करके, आपस में लड़वा करके, हिंदुओं से उनको नफरत दिलवा करके और उनको एक प्रावधान कानूनी तरीके से दे करके कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, मुसलमान वोट को एक प्रायोरिटी और एक पॉकेट वोट का एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी करके रखा है कांग्रेस ने, जो आज भी उनको काम आ रहा है, आज भी काम आ रहा है। आज कांग्रेस के अगर 99 सीट आते हैं तो इसमें समझ लीजिए कि 90 सीट जो आए हैं वो मुसलमानों के वोट से आए हैं। और कहीं ना कहीं 1947 से लेकर के नेहरू साहब से लेकर के राहुल को, जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर महिलाओं को, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हम सबकी चहेती और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों मिलके ना सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो लैंड जिहाद है उसको एक्सपोज करेंगी बल्कि ये भी बताएंगी कैसे वक्फ बोर्ड जो है वो इलीगली सरकारी जमीनों पे कब्जा करता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। 1631 से 1648 में ताजमहल बना जो शाहजहां के बोलने पर बना, ठीक है, मैं सेंचुरी की बात कर रही हूँ। 2005 में वक्फ बोर्ड को एहसास हुआ और उसने जाकर के अपना बोर्ड चिपका दिया हरा हरा कि ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ताजमहल वाली। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जरूर समझना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड है क्या, क्या ऐसा वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में भी है, ये जितने मुस्लिम कंट्री है क्या वहां पर भी वक्फ बोर्ड है, और इसकी शुरुआत क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, एक तबके को खुश करने के लिए की? ये जो 1954 का एक्ट है ये क्यों बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को खुश किया जाए इस देश में, जबकि उनके लिए एक अलग देश बना दिया गया था? अब इसको बहुत गौर से डीप डाउन जाकर के सारे दर्शकों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेहरू के नेतृत्व में और ब्रिटिश के नेतृत्व में इसको बनाया गया जानबूझ करके मुसलमानों को खुश करने के लिए, जो 7 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रुक गए थे आजादी के वक्त, जो 1971 में सियालकोट पंजाब के लिए उन्होंने वोट किया था उन्हीं 7 करोड़ मुसलमानों ने कि ये पाकिस्तान में चला जाए, भारत में ना रहे, और फिर वो यहीं पर रह गए। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिन्होंने MOU पर साइन किया उसमें से 7 लोग या तो मर गए या तो पाकिस्तान की सरकार ने उनको हटा दिया, भगा दिया, या किसी की अनोनिमस और मिस्टीरियस मौत हो गई। अब इसको धीरे 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 अमेंड करके खूबसूरत इसलिए बनाया गया ताकि मुसलमान नाराज ना हो, क्योंकि याद कीजिए कि सावरकर साहब ने गांधी जी से एक बात पूछी थी कि करोड़ों की आबादी वाले हिंदू आपको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये छोटी सी आबादी वाले मुसलमान आपको क्यों पसंद आते हैं? आप हिंदुओं को अपनी ताकत क्यों नहीं समझते हैं और मुसलमानों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो गांधी जी की इस उस पर एक रिप्लाई था कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उनको उनका मैं बापू हूँ, पिता हूँ, इसलिए मुझे उनके दिल उनके लिए अपने हृदय में मोहब्बत है। इसलिए गांधी जी जा करके मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ा करते थे, पर उस वक्त भी जामा मस्जिद हुआ करती थी, वहां पर भगवद गीता के अध्याय नहीं पढ़ते थे। अब आती है बात कि हमेशा से मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस का चरित्र रहा है। मुसलमानों को रोटी बोटी खिला करके, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल करके, मुसलमानों को खुश करके, आपस में लड़वा करके, हिंदुओं से उनको नफरत दिलवा करके और उनको एक प्रावधान कानूनी तरीके से दे करके कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, मुसलमान वोट को एक प्रायोरिटी और एक पॉकेट वोट का एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी करके रखा है कांग्रेस ने, जो आज भी उनको काम आ रहा है, आज भी काम आ रहा है। आज कांग्रेस के अगर 99 सीट आते हैं तो इसमें समझ लीजिए कि 90 सीट जो आए हैं वो मुसलमानों के वोट से आए हैं। और कहीं ना कहीं 1947 से लेकर के
नेहरू साहब से लेकर के राहुल गांधी जी तक ये मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति उनको बचा करके और किसी ना किसी चेयर पे बैठा करके तो रखी है। अब मुंह खाता है तो आंख लजाता ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के अंदर होता क्या है। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के अंदर जैसे आपके पास आपके घर पर 5 लोग आ गए दाढ़ी टोपी वाले और उन्होंने कहा कि अंजू जी आपको ये घर, अंजू पंकज जी आपको ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता चला है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वो आपको एक नोटिस दे देंगे और नोटिस में लिखा रहेगा कि विद इन 3 वीक आपको यह घर खाली करना होगा, या तो 3 वीक या तो 3 मंथ, इतना ही समय वो लोग देते हैं ताकि आप हाथ पैर ना मार सके ज्यादा। अब आपको और अगर आपने खाली नहीं किया इस 3 वीक में या 3 मंथ में तो आपको उठा करके आपके सामान को फेंक दिया जाएगा और आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। अब आप जब कोर्ट जाइएगा तो वो कहेगा सीधा न्यायपालिका में जाकर के कि पहले तो इनको ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा, पहले तो इनको हमारे कोर्ट में आना पड़ेगा, ये यहाँ कैसे आ गई हैं? क्योंकि याद कीजिए कि शरिया लॉ भी कॉडिफाइड नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट भी कॉडिफाइड नहीं है, कोई कॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब आती है बात के पर नाजिया जी इस देश में एक कानून व्यवस्था है, उसके पैरेलल इनका अपना ही ट्रिब्यूनल है। मैं अपने देश के कानून व्यवस्था में अपने अदालतों के सामने ना जाकर इनके ट्रिब्यूनल में जाऊंगी। हाँ, मैं और विस्तार में बता रही हूँ। अब आप जब जैसे ही पूछिएगा इनके ट्रिब्यूनल में जाकर के, जैसे ही आप पूछिएगा कि आपको कैसे समझ में कैसे पता चला कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो लोग एक बहुत बड़ा सा फैमिली ट्री रखते हैं और एक ब्लूप्रिंट रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे मुगल अक्रांता यहाँ गए थे, यहाँ उन्होंने जंगे लड़ी थी, तो यहाँ यहाँ से घूम करके जब वो गए हैं तो ये देखिए ये पार्ट आपका घर आ रहा है, तो ये मेरा वक्फ बोर्ड का हो गया। पर अभी तो कह रहे थे कि अल्लाह की राह में हमको प्रॉपर्टी दी जाती है, तो ये तो अल्लाह की राह की प्रॉपर्टी तो कब्जे वाली प्रॉपर्टी हो गई ना कि आप मेरे घर में आ धमके की ये इनके इन प्रकार ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए तो जब मैं एज अ पैनलिस्ट बैठती हूँ और जब मैं सवाल करती हूँ तो अभी इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले साजिद रशीदी भाग गया, वो डिबेट से भाग गया, उसने कहा मुझे नहीं बैठना है। अब मैं आपको वक्फ बोर्ड के सिर्फ 2 सेक्शंस बता रही हूँ क्योंकि अपनी फिर मैं ट्राइब्यूनल में गई वहां वो ट्री उन्होंने मुझे दिखाया और कह दिया कि हमारा। हाँ ठीक है, अब इसके 2 सेक्शंस आप सुनिए, कलेजा दहलेगा आपका, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट 1995 चैप्टर 9 में चले जाइए, सेक्शन 104B क्लॉज 6 में चले जाइए। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करता है, किसी भी जगह पर ये कहता है कि ये मेरा है, तो आप उससे विवाद या आप उसके सामने अपने रजिस्ट्री के पेपर या ये सारी चीजों को रख करके कोई फायदा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड आपको कहेगा कि 6 महीने के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया 3 वीक 3 मंथ और 6 वीक का है। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 104B क्लॉज 6। अगर मान लीजिए कि सरकार ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस पे हमको एयरपोर्ट बनाना है, इस पे हमको कुछ भी सरकार का रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, तो वक्फ बोर्ड कहेगा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, हमें मंथली रेंट तय करके बताइए कि आप कितना मंथली हमको दीजिएगा। ये कहता है वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट 1995 का सेक्शन 104B क्लॉज 6 कहता है। और ये एक्ट किसके जमाने में बना, कांग्रेस के सरकार के जमाने में? नहीं, ये एक्ट एस्टैब्लिश हुआ है 1931 ब्रिटिश और जिन्ना के साथ, जैसे शरिया एस्टैब्लिश हुआ। और लेकिन 1995 में जो बदलाव हुए ये कांग्रेस के जमाने में हुए। हाँ, कांग्रेस के जमाने में हुआ। और खुश कर रही थी कांग्रेस मुसलमानों, और खुश कर रही थी, मतलब वो तो भयानक था ही, जो 31 में जो एस्टैब्लिश हुआ वो तो भयानक था ही। और इसमें कानूनी दावपेच लगा दिया गया कि आप ऐसे ऐसे कर करके आप हिंदुओं की जमीन हड़प कर सकते हैं। ठीक है, अब आती हूं मैं चैप्टर 5 के सेक्शन 40 पर। सेक्शन 40 पर आता है कि वक्फ बोर्ड के पास ये एम्पावरमेंट है, ये पावर है कि वो कहीं भी जाएगा और उसके ब्लूप्रिंट में और फैमिली ट्री में अगर दिख जाता है
कि मुगल आक्रांता से गुजरा हुआ, उनके जंगों से गुजरी हुई ये प्रॉपर्टी है, तो वो हड़प करेंगे और इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये सब मुगलियां ही हैं, ये अभी भी मतलब ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे मुगल काल से चले, मतलब मुगल जो आए थे जिन्होंने मार पीट कर इनका धर्म परिवर्तन करवाया होगा डरा धमका कर, ये उन्हीं की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं कि भाई वो जहां जहां उनके कदम पड़े वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कि तो अंधेर गर्दी है नाजिया जी, ये पूरा का पूरा कानून। अब आपने मुझसे एक बात पूछी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु के उस गांव में जिसका नाम है थिरुचेंदुराई विलेज, उसमें उस वो पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगाया है बहुत बड़ा सा और कहा है कि ये मेरा, ये गांव ही पूरा मेरा है। उसमें 1500 साल की एक मंदिर थी बहुत पुरानी, समेंथा चंद्रशेखरा स्वामी टेम्पल, उसको भी कह दिया है कि ये तो मेरा है। अब जैसे औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने मंदिरों को तोड़ा था और उसमें टुम बैठाया था, वैसे ही उस मंदिर पर भी ये लोग ऊपर का हिस्सा तोड़ेंगे और टुम बैठाएंगे। ठीक है, अब आती है बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैंने कई बार दोहराया है, फिर से याद दिला रही हूँ सबको, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद होती थी जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगवा दिया था और कहा था कि ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज के सामने ये पिटीशन डाल दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है। उसके उसको मतलब अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चला गया वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इंटरवीन किया और कहा रिमूव करो इस मस्जिद को यहां से, कोर्ट के अंदर तुम्हारा वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कहां से आ गया भैया, रिमूव करो। तब एक अर्जी पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसको बहुत गौर से सुनने वाली बात है। एक अर्जी पिटीशन दायर हुई थी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ठीक है साहब, मुझे कोई अल्टरनेट उतनी जगह दिलवा दीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अभी आपको समझ में आया कि ये हमेशा ये सारा चक्कर, ये सारी स्ट्रेटेजी विरोध की क्यों करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन और उनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो लैंड जहाज है उसको एक्सपोज किया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे ये सरकारी जमीनों पे इलीगली जो है वो कब्जा करते हैं। 80 से ज्यादा जो वक्फ बोर्ड की हैं वो जबरदस्ती या कब्जे के तहत जो है वो ली गई हैं। और वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसने ना कोई गांव, ना कोई शहर, ना कोई मंदिर, इवन की रेलवे से लेके जो शॉपिंग मॉल और 5-स्टार होटल हैं उनकी जमीन पे भी कब्जा कर रखा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।